अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू राशिद अपडेट्स। कॉमेंट एम्प्लाइज न्यूज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। सूबाई सरकारी मुलाज़मीन ने तनख्वाहों में 1% कटौती की शदीद मजम्मत की है और इस पर एहतजाज किया है। याद रहे कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो समरी तैयार की है उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि इस अलाउंस में से 1% जो कटौती है वो की जाए और उसे पेंशन फंड में मुंतकिल किया जाएगा, जिस पर सरकारी मुलाज़मीन ने भरपूर एहतजाज किया है। सरकारी मुलाज़मीन ने आज एक ऐलामिया में कहा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बिला तख़ीर 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी करे और सरकारी मुलाज़मीन की रजामंदी के बगैर 1% कटौती इंतहाई नाजायज़ है, जो हम किसी सूरत में भी नहीं करने देंगे। सूबाई सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में फौरन इजाफा किया जाए और किसी किस्म की कटौती न की जाए। ये थी अब तक की गवर्नमेंट एम्प्लॉज के मुतालिक ताज़ा अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।